नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा, आप सभी का दास, संतों के चरणों का दास। सभी से जैसे कि मैं लगातार आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा रहा हूं, और मेरा निजी उद्देश्य मैं आप सबको बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके धर्म का प्रचार हो, और जो भी भाई अगर साधना करता है, भक्ति करता है, उसके मार्ग में जो कठिनाई आ रही है या समस्या आ रही है, वो किसी अगर संतों के पास करना चाहता है तो वो उसके सवाल सभी के मैं लेने की कोशिश करता हूँ, शायद तक उनके मार्गदर्शन मिल सके। अब जिन महाराज जी के पास मैं आया हूँ, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और इनकी सत्संग मैं पहले भी लेकर आया हूँ। आपने बहुत पसंद की, आपने सभी ने कहा, पिछली बार इनकी कमेंट में जो सवाल आए थे वो सवाल मैं लेकर आया हूँ, और मैं महाराज जी से करना चाहूँगा। पहले हम महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से आपके प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे महाराज। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे भक्तों ने पूछा, सांसारिक कार्य करते हुए किस प्रकार वो निरंतर साधना कर सकते हैं, निरंतर भक्ति कर सकते हैं? सांसारिक कार्य जरूरी है उनके जीविका चलाने के लिए, तो मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने अर्जुन को ही बात कही गीता जी में भी, कि जीव जो है मनुष्य अपने कर्म अवश्य उसको अवश्य करना पड़ेगा। कर्म बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होंगे हमारे, इसलिए कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है। परंतु बस हमारा उस जो कर्म है, उस कर्म को बस प्रभु के लिए, जैसे हम कहीं नौकरी कोई करता है तो कहीं सेठ का, तो उस वो सोचता है कि मैं सेठ के लिए करता हूँ, तो उसको ये भावना रहता है ये सेट के लिए है, सेट का ड्यूटी मुझे निभाना है। तो उसी प्रकार ये सोचे कि ये भगवान का है, परिवार भी भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ, और इसी भाव से सारे कर्म करे, और जो कुछ भी कर्म करे वो भगवान को निवेदन कर दे, प्रभु मैं आपका हूँ, ये कर्म भी आपके लिए है, और उसका जो फल है फल प्रति भगवान को ही समर्पित कर दे, फिर उससे बंधन से वो मुक्त हो जाता है, और सुख दुख से हानि लाभ से वो परे हो जाता है। यही एक तरीका है। और तो बस अगर उसमें अभिमान करते हैं कि मैं करता हूँ, फिर उसका जो अच्छे बुरे का जो फल आता है तो फिर हमको भोगना पड़ता है। जैसे कि गुरुजी ने कहा, जो भी घर के और सांसारिक कार्य करते हो भगवान को समर्पण कर दे, जो भी कर रहे हैं भगवान आपके लिए कर रहे हैं, जैसे खाना भगवान आपके लिए, अगर ऑफिस जा रहे हो भगवान आपके लिए, तो जो भी उसका फल होगा, लाभ होगा, भगवान को समर्पण कर देंगे तो वही आपकी निरंतर साधना का रूप बन जाएगी। जैसे महाराज जी का, महाराज जी जैसे कि कहा जाता है कि अपना अंतःकरण शुद्ध होता है तो वहाँ भक्ति और अच्छे से हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, या हमारे अंतःकरण में क्या पहचान शुद्धिकरण की? अंतकरण जब पवित्र होता है तो पहली बात तो हमारा अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे मन में, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म के लिए, दान पुण्य सत्कर्म करने के लिए, और स्वाध्याय सत्संग आदि में मन लगेगा, भगवान जी में मन लगेंगे, और इस प्रकार से मन बहुत निर्मल जितना जितना होते जाएंगे उतना उतना भगवान का अनुभव भी प्राप्त होंगे, साक्षात रूप में, स्वप्न रूप में, और सब में वही प्रभु का निवास, ऐसे भी अनुभव होने लग जाएंगे, सब में प्रभु का निवास, इस प्रकार सबको प्रणाम करने लग जाएगा, और उसको ऐसे स्थिति प्राप्त हो जाता, फिर तो जाप और कृपा राम पर, राम की हो ताप और कृपा करे सब कोई, फिर ऐसा स्थिति आ जाते हैं। महाराज जी, जैसे कि श्रीमद् भगवत में एक अजामल का वर्णन आता है, अजामल ने अपने बेटे के नाम से ही अपनी भक्ति प्राप्त कर लिया, अपने जीवन का उद्धार कर लिया था, ये भी मैंने भगवत की प्राप्ति कर ली थी, लेकिन हमें इतना क्या जाता कि इतनी माला की जाए, इतना मंत्र जप किया जाए, इतनी तपस्या की जाए, तो अगर वो नाम जप से एक बार में अगर प्राप्ति हो जाती है तो उसका क्या तात्पर्य है? ऐसा है, जन्म जन्मों ने जतन करही अंत समय राम नाम आवतने, जन्म जन्म तपस्या करते हैं, लाखों लाखों जपते हैं, फिर भी अंतिम समय पर प्रभु का नाम बिरले को ही आते हैं, क्यों? इसमें ये एक अभ्यास है, अनादिकाल का हमारा संसार, आज हमारा जन्म नहीं हुआ है, अनादिकाल से कई इतना बार हम जन्म ले चुके हैं जी, तो जितने हमारे भीतर में, भले बाहर में हम दिख मतलब नहीं दिख पा रहे हैं कि अपना क्या है, परंतु भीतर में अनादिकाल का जो बंधन है और जिस प्रकार अविद्या है भीतर में पड़ा हुआ है, तो इसके लिए निरंतर एक जो
हमारा माया से हमारा बन मतलब एक संपर्क है जन्म जन्मांतर का जो भीतर में पड़ा हुआ है उसको बस निर्मल करने के लिए ऐसे सदा सर्वदा प्रभु का नाम लेते लेते प्रभु प्रति एक अनुराग प्राप्त हो जाता है और उसमें तल्लीनता तन्मयता इस प्रकार इतना तन्मयता आ जाती है कि फिर उसमें सांसारिक पदार्थ उसको मन में स्थान नहीं रहती और अंतिम से प्रभु का नाम ये एक अभ्यास है। अभ्यास नहीं करेंगे जिस प्रकार कोई भी जैसे मैं तो कहते हैं कि जैसे कोई जैसे प्लेयर है जो खेलते हैं तो वो उनका प्रैक्टिस लगा रहता है तभी वो मतलब जाकर कहीं जीत हासिल कर पाते हैं गोल्ड मेडल में देश को दिलाते हैं तो इसके इसलिए वो लगे ही रहते हैं। जैसे मिलिट्री लोग हमारे हैं तो इसका मतलब नहीं जब युद्ध होगा तभी हम लड़ेंगे ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रकार वो एक रियल जो अभ्यास है ये इस प्रकार ये अभ्यास है। अभ्यास लगना नहीं तो एक नाम में हो जाए और जामिल देखिए वो तो प्रभु के एक नामाभास उसको नामाभास कहते हैं। और सचमुच जैसे भागवत जी में लिखा है कि पुतना ने माँ का बेश श्री माँ का बेश लिया था और वस्तु तो उसके भीतर में ऐसा कुछ भाव नहीं था कि मैं इसको दूध पिलाऊं और भगवान को प्रसन्न कराऊं ऐसा कुछ भाव ही नहीं था वो मारने की नियत। लेकिन भगवान बड़ा करुणामयी है उनका शक्ति उनका नाम बड़ा करुणा से भरा हुआ है जीव किस प्रकार जुड़ जाए तो उससे कल्याण कर जिस प्रकार आग को हम जाने अनजाने स्पर्श करेंगे उसका जो शक्ति है वो काम क्रिया करेगी तो उसी प्रकार जीव भगवान भी कैसे भी जुड़ जाए भगवान बड़ा करुणामयी है तो भगवान जीव का कल्याण ही करते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा रियल में ये बात सत्य है जैसे कि हम अगर आग को कैसे छुएंगे तो वो गर्मा सी देगी अगर बर्फ़ को हम कैसे भूल से छुएंगे वो ठंडक ही देगी तो वो अपना उसका कार्य है। उसी प्रकार भगवान करुणा रूपी है अगर हम उनकी तरफ बढ़ेंगे तो स्वयं हमें वो एहसास होगा। महाराज जी जैसे एक छोटी सी जानना चाहता हूँ कुछ लोग कहते हैं हम सिद्धि करना चाहते हैं कुछ कहते हैं हम साधना करना चाहते हैं और कोई लोग होते हैं जो नाम जप करना चाहते हैं तो तीनों में क्या भेद है और उत्तम क्या है और तीनों का विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को वर्णन कीजिए जो गलत मार्ग पर ना जा सके। देखिए साधना सिद्धि ये सब अच्छी बात है सब कोई गलत नहीं है लेकिन हमारा साधना क्या शास्त्र सम्मत है क्या आचार्य लोग जिस पथ पर चले हैं हम उस पथ पर चल रही हैं नहीं तो साधना बहुत प्रकार के हैं। जैसे रास्ता आपको कहीं मेन रास्ता होता है फिर भटकने वाले रास्ते भी होते हैं तो उसी प्रकार साधना हमारा देखना चाहिए शास्त्र सम्मत होना चाहिए आचार्य सम्मत होना चाहिए और सिद्धि की भक्त जो साधना करते हैं उनको तो सिद्धि आएगी आएगी सिद्धि के लिए वो लालायित नहीं होते वो तो अपनी साधना सुष्ट रूप में मतलब सुचारू रूप में हमारा हो रहा है कि नहीं इस प्रति वो सजग रहते हैं सिद्धि अवश्य उनके पास अवश्य आएगी लेकिन उनके भीतर में परिपूर्ण निष्ठा ये विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य हम पर कृपा करेंगे इस भाव से वो भजन करते रहते हैं। बाकी सिद्धि तो स्वाभाविक है और रहा सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो सिद्धि अपने आप आ जाएगी इसके लिए बस यही प्रयास होना चाहिए हमारा भजन जो है निरपराध से और किसी प्रकार बाधा से रहित होकर हम भजन कर सकें यही साधक के लिए यही प्रचेष्टा होना चाहिए। और महाराज जी जैसे एक होता है जैसे कि मंत्रों का जैसे हर देवी देवता का एक मंत्र बना हुआ है और एक हर देवी देवता का नाम बना हुआ है तो उनका मंत्र का जप बड़ा महत्व है या उनके नाम का जप है अगर चाहे हम महादेव का करें श्री कृष्ण का करें चाहे गणेश जी का करें नाम जप बड़ा है या उनका मंत्र का जप बड़ा रहेगा। देखिए नाम मंत्र की वस्तु है जो ही नाम है वही प्रभु है जो मंत्र है सोई भगवान है लेकिन बस ये नाम हम निरंतर ले सकते हैं और बाकी रहा उनका जो एक विधि पूर्वक मंत्र का लेने का मतलब ये है नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है भेद किसी प्रकार का भेद नहीं मंत्र जो है वही भगवान का स्वरूप है नाम जो है वही भगवान की स्वरूप है नाम भगवान को प्रेम प्रदान कराते हैं नाम प्रभु और लेकिन मंत्र जो है थोड़ा विधि विधान से जहाँ तहाँ ना ले और बड़ी शुद्ध स्नान स्नान करके शुद्ध आसन बैठकर मंत्र जप करें बाकी प्रभु का नाम कोई भी शिव जी का हो गणेश जी का हो भगवान श्री कृष्ण का जी का हो राम जी का हो तो नाम तो कैसे भी सोते उठते बैठते चलते फिरते ले सकते हैं उच्च सुर से भी ले सकते हैं लेकिन मंत्र का एक विधि होता है उस अनुशासन से लेना चाहिए।
जैसे गुरु जी ने कहा ये सत्य बात है, नाम जप का तो आप किसी प्रकार ले सकते हैं, मंत्र जप की एक विधि होती है उसके दोष भी ज़्यादा, उच्चारण का भी महत्व होता है, अगर उच्चारण में थोड़ी सी गलती है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। लेकिन नाम अगर राम राम की जगह मरा मरा बोला जाएगा तो भी आपका राम राम एक दिन आ ही जाएगा, लेकिन मंत्र में उच्चारण बिंदु कि जो बहुत सारे शब्द ऐसे यूज होते हैं उसमें उच्चारण में अगर थोड़ी सी हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है उसका दुष्परिणाम जरूर पड़ता है। महाराज जी जैसे एक छोटी सी एक माताओं का एक मन में सवाल है, बहुत सारी माताएं हैं, अभी मेरे से ज़्यादा नहीं कहूँगा 15 से 16 माताएं जुड़ी है जो किसी कारण से वजह से शादी नहीं करना चाहती या किसी कारण की वजह से उन्होंने शादी से अलग हो गई पति पत्नी, एक कोई दो माता जी जो अपने जो ब्रह्मलीन हो गए तो वो चाहती है हम अपना जीवन भक्ति में देना चाहते हैं लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। अगर वो आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ पर उनको डर सताया जा रहा है और दो माता जी गए हैं उनको वापस वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा है, तो उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए थोड़ा सा। ऐसा है अगर उनका घर में अनुकूल हो जहाँ भी रह रहे हैं तो वहाँ रहकर भजन करें, और अगर धाम में आना चाहते तो वहाँ ऐसे भी बहुत अच्छे माता जी हैं और बहुत लड़कियां हैं जो भजन बहुत सुंदर भाव से करते हैं, उनका भी चाहते हैं कि हमारे सानिध्य में ऐसे कोई भजन करने वाला आए तो हमारे सानिध्य में रहकर भजन कर सके, ऐसे बहुत जगह है। लेकिन थोड़ा उसके लिए मतलब धैर्य धरना पड़ता है और बस संपर्क बनाए रखे अपनी धाम में आने का, जो भजन करने वालों के साथ जहाँ भी घर में रहते हैं पहले आना जाना करे, उनका सत्संग ले, फिर वो स्वाभाविक कितना अनुकूल है हमारे कहाँ रहने का, मतलब हमको अनुकूल खुद अनुभव हो जाए कि मुझे यहाँ रहने से किस प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, तो फिर वो सेट हो जाए, ठाकुर जी फिर धीरे धीरे व्यवस्था करते हैं। और मेरे तो कहना ही है कि कहीं भी रहे बस भगवान प्रति जितनी भी बाधा आता है भजन में तो उतना जैसे स्रोतोसनी कोई जैसे बारिश के समय जब नदियाँ चलती है उसको कोई बांध देना चाहे तो उसका वो बांध टूट के और दुगुनी मतलब उसका उछाल होती है। इस प्रकार भजन में जहाँ भी आप घर में परिस्थिति में अब रह रहे हैं वहीं से प्रभु को पाने के लिए मतलब पूर्ण अपना साधना जारी रखें, पहली बात तो वहाँ से ही ठाकुर जी आपको वहीं से ही आपको कैसे लाना धाम में कहाँ रखाना ये तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरे तो ये कहना ये निश्चित है, ऐसे बहुत देवियों को बहुत मतलब साधिकाओं को ऐसे बहुत ठाकुर जी ने वो सहारा दे रहे हैं अब देते रहेंगे। जैसे गुरु जी ने कहा है और मैं कोशिश करूँगा वीडियो में बाद में गुरु जी से मार्गदर्शन लेके माता जी को मैं पर्सनल जानकारी दे दूँगा, वहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, आना जाना कीजिए या वार्तालाप संपर्क रखिए, अगर आपको उचित लगे तो वहाँ रहिए। लेकिन मैं माताओं को कहूँगा पर्सनल ये वीडियो में जानकारी मैं नहीं दूँगा क्योंकि बहुत जगह दुष्प्रणाम होता है और मैं वीडियो में ऐसी जानकारी नहीं दे सकता, माफ करूँगा। गुरु जी जैसे एक चीज़ मैं अपने मन की बात जानना चाहता हूँ छोटी सी, जैसे मेरे में गलती हो गई या पास अनजान बहुत हूँ मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे कल पता चला था, तो मैं अभी जैसे सत्संग चली तो मेरे माध्यम से आप बहुत जनों को इस अगर मेरे जैसी कोई गलती की है तो पता चल जाए। जैसे मैं इतने टाइम तक तुलसी धारण की हुई थी और किसी वहाँ उत्तराखंड गया तो संतों द्वारा मुझे रुद्राक्ष की प्रसाद मिला और मैंने वो धारण कर लिया, तो क्या मुझे दोष लगेगा क्या? नहीं दोष कुछ नहीं है, बस अगर वो तुलसी कंठी आपका गुरु प्रदत्त है तो उसको नहीं उतारना चाहिए था पहली बार, उतारा नहीं है मैंने रखा, तब तो कोई बात नहीं, और पहन लिए तो उसका कोई भी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन किसी की गुरुकरण करने के पश्चात फिर किसी को दूसरे फिर कोई चाहे सिद्ध भी मिल जाए कुछ भी मिल जाए, लेकिन गुरु तो हमारे सिद्ध है, मेरे लिए तो भगवान है। हाँ, भगवान है, मैं एक बार वर्ण कर चुका हूँ, तो कोई ऐसे संत प्रसाद रूप में दे दिए ले लिए उसे कोई दोषावह नहीं है। और जैसे कि अभी मुझे जैसे तुलसी रुद्राक्ष साथ में रख सूंगी या रुद्राक्ष में उतार दूंगी, अब मेरी ये आपके ऊपर इसमें कोई दोष तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, धन्यवाद। और मैं एक माता जी का साधक का सवाल और ले लेता हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु का मंत्र दिया हुआ है वो जप करें या अब नाम जप करें, क्यों नाम जप भी करना चाहते हैं गुरु मंत्र भी करना चाहते हैं, और दोनों में से क्या दोनों करें या दोनों में से सर्वप्रथम क्या रहेगा? दोनों का ही करें, गुरु मंत्र भी करें, गुरु मंत्र जो दिया है गुरु जी ने, लेकिन नाम प्रति विशेष गुरुत्व दें, नाम तो 24 घंटा लेना है, ज़्यादा लेना है, बाकी गुरु मंत्र तो एक सुबह शाम नियम से एक नियमित रूप से एक माला दो माला जो भी कर सके।
और महाराज जी जैसे अभी आने वाले अगले महीने में गुरु पूर्णिमा आ रही है 13 जुलाई को, और बहुत सारे गुरु बने हुए हैं जिनके निगेह नहीं बने वो तैयारी कर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि गुरु हमें किस प्रकार की तलाश करें, यह गुरु को कैसे बनाएं, यह गुरु हमारे क्या ब्राह्मण होना चाहिए, क्या संत होना चाहिए, क्या किसी भी जाति का हो सकता है, किस प्रकार हम गुरु को अपने गुरु को पहचानें, क्या हमारी निशानी होगी, क्या संकेत होंगे? जो गुरु के लक्ष्य गुरु के लिए वैसे तो भागवत में लिखा ब्राह्मण होना चाहिए और शास्त्र में ज्ञान में विज्ञ होना चाहिए इस प्रकार, परंतु चेतन महाप्रभु की मत में जो भी तत्व वेता है, जो भगवान की जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने पास सब कुछ भजन के अनुभव है, शास्त्र ज्ञान है, और कोई भी हो उनके पास अगर वो गुरु होने के लक्षण है उनमें, तो हम उनको गुरु में वर्ण कर सकते हैं, सीधी बात है। चाहे कोई भी हो, अगर उनमें वो लक्षण दिख रहा है, गुरु का लक्षण है, और शिष्य में भी पहले तो कोई भी साधक पहले गुरु जी के पास रहें, कोई महापुरुष पास जाएँ, तुरंत दीक्षा ना लें, उनके पहले सत्संग करें, 1 साल 6 महीना 1 साल 2 साल आपस में देखें गुरु जी के प्रति हमारा कितना श्रद्धा है, इनके आचरण से क्या हम कभी दोष तो नहीं दिखेंगे, और इनका उपदेश लेकर क्या हमारा जीवन सुधर जाएगा, इसे अपने को देखें, तुरंत कहीं भी इसमें हड़बड़ी ना करें और सत्संग करें, पहले 1 साल 2 साल फिर दीक्षा लें तो अच्छा रहता है। महाराज जी जैसे कि एक शिष्य की पात्रता क्या रखनी, जैसे अभी 1 महीना बचा है तो उनके अपने अनुकूल शिष्य की पात्रता बना सके, तो वो अपने में क्या सुधार करें, अपने खुद के किस प्रकार गलतियाँ सुधारें? पहली बात है कि हम किसी महापुरुष के पास जाएं तो पहले कि हम एक अपनी मतलब विद्वता लेकर ना जाएं, अपनी बात अपनी सारी सब कुछ निष्कपट भाव से उनके पास हम शरणागत हो जाएं, फिर वो जैसे कहें गुरुजी जैसे महापुरुष जिस प्रकार कहें उसी हिसाब से अगर वो जीव चलने लग जाता है तो फिर उसे उसका कल्याण हो जाता है। महाराज जी जैसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा, संतों में एक होता है कि मैं जैसे भेष बोलता या जैसे आप श्रृंगार बोलूँ किसी रूप में, इनका क्या महत्व होता है, क्या भेष में ही भगवान जल्दी मिलते हैं या बिना भेष की भी भगवान पहचान करते हैं अपने भक्तों की? देखिए भेष तो हम साधु का भेष है ठीक है, लेकिन अगर भीतर में हम साधुता नहीं है तो उससे कुछ ज़्यादा महिमा नहीं है, उससे ना अपना कल्याण होगा हमारा खुद, ना दूसरे का हम कल्याण कर सकते हैं। अगर अंतकरण जिसका साधु है, चाहे किसी में ड्रेस में हो, वो साधु कहने लायक है। बाकी साधु वेश का एक मर्यादा है और उसका बहुत सम्मान है, अगर अंतकरण भी ऐसा हो, उनका जीवनचर्या भी दिनचर्या भी ऐसा हो, उनका रहन सहन ऐसा हो, तो फिर क्या कहना। लेकिन साधु बेस का इसका नहीं कि अनादर नहीं करना चाहिए, साधु बेस अपनी जगह पर है, और बाकी रहा हमारा मन हमारा अंतकरण साधु स्वभाव होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी में हो कोई भी हो तो साधु लोग साधु ही समझेंगे। महाराज जी जैसे मैंने संतों से एक चीज़ जानी है सुना है कि गुरु को कभी शरीर नहीं समझना चाहिए, गुरु को शरीर समझना ही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। हाँ, भगवान ने उद्धव जी को कहा है, उद्धव जी आचार्य मांग ज्ञानिया नाम मर्त्य बुद्धि सुयते सर्वदेवमय, गुरु गुरु जो है सर्वदेवमय है, और उनको मर्त्य ज्ञान मतलब लोग ये सांसारिक बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, तो ये शिष्य के से जैसे इतना भाव रहेगा तभी वो भगवान उस प्रति प्रसन्न होते हैं। महाराज जैसे मेरे में एक छोटी सी कमी है या पता नहीं क्या है, जब मैं कहीं संतों का दर्द देखता हूँ या बीमारी देखता हूँ, किसी भी जीव में भी देखता हूँ, तो पहली बात वो दर्द पता नहीं हृदय भर जाता है और वो आंखों में रोना शुरू हो जाता हूँ, ये पता नहीं बहुत जबार होता है किसी संत का अगर दर्द दिया पीड़ा की बात आ जाती तब। क्या दया जो है मतलब जिसमें भगवान की अहेतु की कृपा होती है, इससे उसके हृदय में दया भरी रहती है, और दया करना किसी जब की सेवा करना बहुत बड़ी बात है, कोई चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई हृदय इस प्रकार ये हो जाता तो उसमें भगवान का विशेष कृपा है उस जीव प्रति जो ऐसे भाव है उनको, और सेवा से ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, संतों का कृपा प्राप्त होता है, भजन करके जो प्राप्त हो नहीं हो कर सकते शायद
सेवा से उससे कुछ कहीं ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, जैसे छोटी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे अगर ये अगर आपको उचित लगे तो ही बताना, अगर नहीं लगे तो, जैसे कि मेरे जैसे या कोई और भी भाई जैसे संत बनना चाहते हैं, तो जैसे कि इसमें किस प्रकार की कठिनाई आती है या किस प्रकार का आनंद आता है, क्योंकि दोनों पक्ष लेके चलना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि उसमें चलने के बाद हमें पछताना पड़े या चलने के बाद ये कि काश हम पहले चल लेते। देखिए, संसार को त्यागना नहीं पड़ता है, पहली बात तो भागवत जी में एक श्लोक है, तावत कर्माणि कुरुविद न निर्विविद्यते जावता मत कथा श्रवण आदो श्रद्धा जावन न जायते। तो संसार में कब तक कर्म करना चाहिए? जब तक भगवान की कथा में, भगवान के नाम रूप लीला में आसक्ति न हो जाए, प्रेम ना हो जाए, और हमारा प्रभु प्रति प्रेम नहीं, किसी प्रकार क्लेश के कारण से, भय के कारण से हमने संसार छोड़ दिया, साधु बन गए, इससे वो साधुता ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, तो उसमें दुर्बलता आ जाती है। तो इसीलिए पहले तो हम जहाँ भी रहें, घर में रहकर प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ावें, प्रेम प्रभु का नाम जप करें, सत्संग करें, फिर वो जब धीरे धीरे प्रभु प्रति लगाव इतनी लग जाए तो फिर संसार घर वाले कहेंगे कि भाई तुझसे कुछ होगा नहीं, तुम भजन करो, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे घर, ऐसे होता है एक तो, और बाकी हम खुद कोई मतलब किस प्रकार क्लेश समझ रहे हैं संसार को, और भाई बंधु को, माता पिता को सेवा करना बोझ समझ के छोड़ देना, ये ठीक नहीं, उचित नहीं, ये ठीक नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी छठे सी आपके मुखारबिंद से हमारे सभी नवयुवकों को कोई सत्संग रूप में आपकी तरफ, ये मेरे तो सवाल थे, हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो सत्संग रूप में संदेश हो थोड़ा दीजिए। मेरी तरफ से हम यही तो कहेंगे कि प्रभु का खूब नाम लीजिए, खूब भगवान का चिंतन करें और सत्संग सुने, तो बस इसी से ही अपना कल्याण होता है। गुरु जी, जैसे कि आपके बारे में बहुत सारों ने मुझे, मैंने एड्रेस से सब चीज़ आपकी बुरी उत्तर की, आपकी आज्ञा नहीं थी और नहीं बताया गया था, बहुत सारों ने कहा हमें बता दीजिए, तो मैंने कहा जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं होगी, क्या हमें आज्ञा है या और इंतज़ार करें थोड़ा समय? ऐसा है, कोई शुद्ध सच्चे मन से भगवान से कोई मतलब पाना चाहता है तो ऐसे भक्त का दर्शन मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, अगर सच्चे भक्त कोई अगर आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, तो महाराज जी के कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी लोभ लालच या कोई अभी सांसारिक माया के लिए आना चाहे या कोई ऐसे, ये आप समझ रहे हो मैं कैसे पहुँचाऊँ, मेरा खुद को पता नहीं ठाकुर जी की भाव है किस प्रकार, महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी है, महाराज जी के पास बहुत आते हैं लेकिन समय नहीं मिलता, महाराज जी अपने ध्यान में भक्ति में रहते हैं, तो अगर ऐसे आए तो मत आना, अन्यथा मैं आपको स्थान गुरु जी की आज्ञा से बता दूं। गुरु जी या भी गुरु जी मेरे ऊपर, चलो मैं आपको, अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, नहीं आज्ञा हुई तो माफ़ करना, अगले वीडियो में इंतज़ार करेंगे, फिर गुरु जी हमें आज्ञा दें कि अगली बार फिर आ सकें। श्री राधे। गुरुजी द्वारा दी गई सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना, आपके फिर भी कोई सवाल हो लिख के मुझे भेज देना, मैं आपके लिख के सवाल रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, हर को सवाल को मैं लिख के रखता हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपका सवाल मैं फिर लूँगा, अगर इस बार किसी भाई का माता का चूक गया तो। और जैसे कि माता जी ने कहा मुझे स्थान बताना, तो मैं अपने नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो आप माता जी जिनको मतलब साध्विक मार्ग पर आना है या जिनको अपना जीवन भक्ति में देना है तो वो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं उनको स्थान, ऐसे माताओं के स्थान बताऊंगा जहां माता जी सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन फिर भी माता जी वहां पर सीधे ही जाके समर्पण ना हो, वहां जाके दर्शन करें, एक दो दिन रुकें, आना जाना करें, फिर अपना समर्पण दें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरु देव की। महाराज जी को मैं भूल ही चुकी हूँ, माफ कर दे भाई, ये आपके भक्तों के शिष्यों के सवाल थे सारे, बहुत सारे।